राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह घोगामेड़ी की हत्या के विरोध में आज राजपूत संगठनों ने पूरे राजस्थान में बंद का ऐलान किया है इस बीच खबर आ रही है कि घोगामेड़ी पर हमले को लेकर पहले से राज्य सरकार के पास अलर्ट था उसने राज्य सरकार से इस खतरे को लेकर सुरक्षा की भी मांग की थी जो उसे मुहैया नहीं कराई गई थी पंजाब पुलिस ने इस अलर्ट को लेकर राजस्थान सरकार को पत्र लिखा था आपको बता दें कि कल गोगा को बदमाशों ने उनके घर में घुसकर गोली मार दी थी पुलिस के मुताबिक भाड़े के हत्यारों की मदद से इस हत्या को अंजाम दिया गया शूटरों की पहचान कर ली गई है जिसमें से एक रोहित सिंह राठौर नागौर का रहने वाला है जबकि दूसरा नितिन फौजी हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है पुलिस ने हत्यारों की तलाश में अपनी दबिश तेज कर दी है पुलिस ने शहर में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है ये वो तस्वीरें हैं जब घर में घुसकर गोगामेड़ी की हत्या की गई निश्चित रूप से ये गंभीर घटना है और पूरी गंभीरता से इसको लेते हुए हमारी टीमें लगी हुई हैं शीघ्र हथियारों को पकड़ा जाएगा और कठोर विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी मैं अपील करना चाहूँगा सभी से कि वो धैर्य बनाए रखें और शांति बनाए रखें निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और वहीं इस हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं हम ये चाहते हैं कि अपराधियों को पकड़ा जाए उनको जेल में भेजा जाए जिन लोगों ने इस सुरक्षा की दृष्टि में अन्याय किया है लापरवाही बरती है लापरवाही तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि जानबूझ के क्या करते लापरवाही में नहीं आता निंदनीय करते प्रशासन का रहा तो उनके खिलाफ कार्यवाही जांच की हमारी मांग है अपन यही सोच के चलेंगे पॉजिटिव के भाई जितना जल्दी से जल्दी पकड़ में आए और इसका फैसला हो उसी के पीछे अपन सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उसी हिसाब से भीड़ बढ़ती रहेगी जब तक इस चीज का अंजाम नहीं होगा जो वारदात हुई है कल जो जखन्य अपराध हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है और ये सरकार पे भी यहाँ की एक तमाचा है प्रशासन पे और उनके लिए हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी की और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं बैठे रहेंगे ये इस चीज की न्यायिक जांच हो और वो भी सीटिंग जज से, से हो और जयपुर से ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी हर्षा कुमार सिंह जो पूरा ये प्रकरण है जो सुखदेव सिंह गोगा वाला जो ये पूरा प्रकरण है इसमें साफ है कि पुलिस को इंटेलिजेंस इनपुट मिली थी पंजाब पुलिस से भी इंटेलिजेंस इनपुट मिली थी और खुद की जो ए की शाखा है उसने भी मार्च में चिट्ठी लिख के कहा था कि हमें पंजाब पुलिस से इंटेलिजेंस इनपुट मिली है और इस पर आप जो भी कार्रवाई है उसको सुनिश्चित कीजिए लेकिन गोगामेडी मेडी को सुरक्षा नहीं दी गई थी इसको लेकर भी आक्रोश है लोगों में साथ ही जगह जगह बंद का आह्वान है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं पुलिस ने शांति की अपील की है डीजी ने खुद शांति की अपील की है साथ ही उन्होंने ये भी कहा है पुलिस ने ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप शांति बनाए रखें बंद का असर दिख रहा है राजस्थान में जो इनके जो जिन्होंने हत्या की है जो दो लोग हैं उनका मोडस ऑपरेंडी अगर आप देखें तो बिल्कुल जैसे राजू ठेठ की हत्या की थी वोडारा गैंगए उसी तरह का मोडस ऑपरेंडी है पहले इनके पास जाना इसके करीब पहुंचना साथ में बैठ के चाय पीना दस मिनट बैठना और उसके बाद में गोली मारकर भाग जाना वहाँ पर वहाँ से ये लोग गैंग के मेंबर नहीं लेकिन बताया जाता है कि गनमैन है या शार्प शूटर्स या जो हायर्ड गनमैन होते हैं वो हैं इनकी पहचान की गई है एक हरियाणा से बताया जा रहा है एक नागौर ज़िले से बताया जा रहा है पुलिस की आठ टीमें इनको ढूंढ रही हैं और हरियाणा पुलिस से भी संपर्क किया गया है फिलहाल जो राजस्थान में स्थिति बनी हुई है उसमें सीनियर ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जगह जगह निगरानी रखें और कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बदल बिगड़ने दें तो फिलहाल ये है इसका पॉलिटिकल फॉलआउट क्या है देखिए राजपूत श्री राजपूत करनी सेना की जो ये सब लोग प्रिंज आउटफिट है ये एक और जो पद्मावत के प्रोटेस्ट हुए थे उसमें काफ़ी आगे रहा था ये समाज वो कामेडी खुद उसमें आगे था इस आउटफिट का के प्रोटेस्ट में और इन लोगों का ज़्यादातर मतलब तो प्रिंट आउटफिट है मेन स्ट्रीम आउटफिट नहीं है लेकिन जाहिर है टिकट के दावेदार भी थे और बताया जाता है कि जो मतलब एक तरह से समाज का जो इश्यूज़ होते हैं उसको सड़क पर लेकर उतरना इस तरह की भूमिका रही है करनी सेना की और इस मामले में अब यह भी खुलासा हो रहा है कि पंजाब पुलिस ने 14 मार्च 2023 को राजस्थान पुलिस को पत्र लिखकर कहा था कि लॉरेंस गैंग से जुड़ा गैंगस्टर संपत नेहरा अपने गुर्गों के जरिए जो है सुखदेव सिंह गोगामड़ी को मारने की साजिश कर रहा है इसके बाद राजस्थान एटीएस के डीआईजी अंशुमान भोमिया ने राजस्थान के एडी सिक्योरिटी को पत्र लिखकर इस पर आगे कार्रवाई करने को कहा था ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जयपुर में श्री राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के मामले में राजस्थान पुलिस ने दोनों शूटरों की पहचान कर ली है एक शूटर नितिन फौजी है जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है दूसरा शॉट शूटर रोहित राठौर है जो कि नागपुर का रहने वाला है पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये दोनों शूटर संपत नेहरा रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और इनको खास तौर से सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या के लिए हायर किया गया था पुलिस ने उस कार की पहचान भी कर ली है जिस कार से ये दोनों शूटर आए थे इस मामले में पंजाब पुलिस ने 14 मार्च को राजस्थान पुलिस को एक पत्र लिखा था जिसमें ये कहा था कि बठिंडा जेल में बंद संपत नेहरा सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की हत्या की प्लानिंग कर रहा है और ये हत्या वो अपने गुर्गों के जरिए करवा सकता है इसके लिए वो जेल के बाहर ए के की भी व्यवस्था कर रहा है यानी कि हत्या को वो ए के से अंजाम दिलवा सकता है पत्र में ये भी कहा गया था कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के बाद राजस्थान में सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है और दंगे फैल सकते हैं इसके बाद 14 मार्च को ही जो राजस्थान एटीएस के डीआईजी हैं उन्होंने एडीजी सिक्योरिटी राजस्थान को एक पत्र लिखा था और इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और राजस्थान पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और इसके बाद जो सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी हैं उनकी हत्या उनके घर पर कर दी गई तो इस मामले में जो राजस्थान पुलिस है वो लगातार इस गैंगस्टरों के नेटवर्क को खंगाल रही है हालांकि हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला रोहित गोदारा देश से बाहर है और सोशल मीडिया के जरिए उसने हत्या की जिम्मेदारी ली है अब सवाल यह है कि आखिर इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक सुखदेव सिंह गोगी मेड़ा पर भी कुछ मामले दर्ज हैं और ये बात भी सामने आई है कि वो लगातार जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग हैं उसके जो राइवल्स हैं उसके साथ मिला हुआ था क्योंकि रोहित गुजारा ने अपने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है उसमें कहा है कि जो सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी है वो लगातार उसके दुश्मनों का साथ दे रहा है इसीलिए उसकी हत्या करवाई गई है लेकिन सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में जो ज़मीनों पर कब्जे हैं शराब के कारोबार का जो पैसा है लेकर के कारोबार में जो पैसा है और रंगदारी है इन तमाम चीज़ों से जो गैंगस्टर्स हैं वो पैसा कमाते हैं और गैंगस्टर अनंत पाल की हत्या के बाद राजस्थान में रोहित गोदारा उसका पूरा काम दिख रहा है और उसने लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिला लिया है जांच के दौरान कुछ चीज़ें इस तरह की सामने आ रही हैं कि जो सुखदेव सिंह गोगी मीणा थे वो भी कुछ ज़मीनों के कब्जे में जुड़े हुए थे इसको लेकर जो दूसरे राइवल गैंग हैं उनके बीच में टकराव हुआ और इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोल्डी बराड गैंग ने सुखदेव सिंह गोगी मीणा की हत्या की प्लानिंग की तो अभी इस पूरे मामले को लेकर जो गैंगस्टरों का नेटवर्क है उसको पूरा देखा जा रहा है और जो शूटर्स थे वो किस तरह से संपत नेहरा रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए थे इसको लेकर जांच चल रही है हथियार उनके पास कैसे पहुंचे, इसको लेकर जांच चल रही है और किस तरह से ये राजस्थान जयपुर पहुंचे, इसको लेकर पूरी जांच की जा रही है नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर एन इंडिया